प्लैनेट 9 हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य, जिसे आज तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। लेकिन हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि प्लैनेट 9 वास्तव में एक प्राइमोडियल ब्लैक होल हो सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल यह जानते हैं कि प्लैनेट 9 वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय कैसे बना, और इसी से हमें यह भी पता चलेगा कि कैसे प्लैनेट 9 एक प्राइमोडियल ब्लैक होल हो सकते हैं। प्लैनेट 9 की बात सबसे पहले वैज्ञानिकों में तब शुरू हुई जब उन्होंने कुछ ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट के काफी अंडाकार ऑर्बिट को नोटिस करना शुरू किया। दरअसल हमारे वैज्ञानिकों को हमारे सोलर सिस्टम के ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट में कई ऐसे ऑब्जेक्ट मिले जिसका ऑर्बिट काफी इलेप्टिकल था, जो कहीं न कहीं प्लैनेट 9 की तरफ इशारा कर रहा था। और इससे वैज्ञानिक मानने लगे कि इन पिंडों के अजीब ऑर्बिट का कारण हमारे सोलर सिस्टम का नौवां ग्रह हो सकता है, जिसे हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं। वैज्ञानिक इन नौवे ग्रह के कारण होने वाले प्रभावों के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर यह अनुमान लगाया कि हमारे सोलर सिस्टम का नौवां ग्रह हमारे पृथ्वी की तुलना में 10 गुना तक बड़ा हो सकता है, और जब यह सूर्य के सबसे नजदीक पहुँचता होगा तब इसकी दूरी 200 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के करीब तक पहुंचता होगा, और यह हमारे सूर्य से अधिकतम 1200 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक दूर जाता होगा। इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 10,000 से 20,000 वर्षों का समय लगता होगा। साथ ही हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार यदि यह ग्रह इतने दूरी पर मौजूद होगा तो भी सूर्य का कुछ प्रकाश इस ग्रह तक जरूर पहुँचना चाहिए। किंतु अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि जब यह प्लैनेट ही है और यह जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी पहुँचता है, किंतु इसके बावजूद भी हम आज तक प्लैनेट 9 को क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लैनेट 9 वास्तव में कोई ब्लैक होल है। अब जरा आप इस रिसर्च पेपर को देखिए, जिसे जेकब स्कॉच एंड जेम्स अनविन नामक दो एस्ट्रोनॉमर्स ने 29 जुलाई 2020 को पब्लिक किया था। इस रिसर्च पेपर के अनुसार हाइपोथेटिकल प्लैनेट 9 कोई प्लैनेट नहीं है, बल्कि यह एक प्राइमोडियल ब्लैक होल है। दोस्तों, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार जिस समय हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, यानी कि बिग बैंग के कुछ ही समय के बाद, हमारे पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे ब्लैक होल का जन्म हुआ था, से प्राइमोडियल ब्लैक होल कहा गया। अब यह ब्लैक होल कैसे बने थे, इसे हम किसी और वीडियो में जानेंगे। फिलहाल बिग बैंग के कुछ ही समय के बाद बनने वाले यह ब्लैक होल एक धूल के कण से लेकर आज के सुपर मैसिव ब्लैक होल के जितने बड़े थे। अब इनमें से बहुत से ब्लैक होल समय के साथ साथ इवेपोरेट होकर नष्ट हो गए, लेकिन इसमें से कुछ ब्लैक होल अभी भी मौजूद होने चाहिए, और वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा हाइपोथेटिकल प्लैनेट 9 ऐसा ही एक ब्लैक होल हो सकता है। किंतु यह ब्लैक होल इतने पुराने होते हैं कि यह अब इनएक्टिव हो चुके होते हैं, और इसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसे में यह सवाल आता है कि वैज्ञानिक हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद इस प्राइमोडियल ब्लैक होल का पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि न तो यह ब्लैक होल कुछ इमिट ही कर रहा है और न ही इससे टकराकर प्रकाश ही वापस आती है। तो दोस्तों, इसे पता लगाने का एक तरीका है ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। जब भी कोई खगोलीय पिंड ब्लैक होल या किसी अत्यधिक मास वाले पिंड के सामने से होकर गुजरता है, तो यह अपने आगे वाले पिंडों को कुछ इस प्रकार से लेंस करता है कि वह हमें नजदीक दिखाई देने लगता है, और इससे हमें इस ब्लैक होल के प्रेजेंस का पता चल जाता है। दोस्तों, इस रिसर्च पेपर में ओगल एक्सपेरिमेंट की बात की गई है। इस प्रोजेक्ट को साल 1992 में पोलैंड के लास कैंपनास ऑब्जर्वेटरी में शुरू किया गया था, और यह आज भी चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्लैनेट 9 का एस्टीमेटेड मास हमारे पृथ्वी से 5 से 10 गुना तक ही हो सकता है, लेकिन यदि यह एक ब्लैक होल हुआ तो इसका साइज एक क्रिकेट बॉल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि इतने छोटे से ऑब्जेक्ट को हमारे इतने विशाल सोलर सिस्टम में ढूंढना कितना मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, इसका भी एक उपाय है। भले ही हम इस ब्लैक होल को सीधे नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन हम इससे होने वाले कारणों का जरूर पता लगा सकते हैं।
इस हाइपोथेटिकल प्लेनेट 9 पर रिसर्च करने वाले कुछ वैज्ञानिकों का यहाँ तक दावा है कि प्रेजेंट कंडीशन में भी हम उस ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों के पास अपना खुद का मून होता है, ठीक उसी प्रकार से इस ब्लैक होल के पास भी मून होंगे और इस ब्लैक होल का लोकेशन हमारे सोलर सिस्टम के कुइपर बेल्ट के पार और ऑर्ट क्लाउड के पहले इस बीच में कहीं हो सकता है, किंतु इतना अधिक दूर होने के वजह से इस क्षेत्र में मौजूद एस्टेरॉयड को डिटेक्ट कर पाना और उसके ऑर्बिट को स्टडी कर पाना इतना भी आसान नहीं है। किंतु दोस्तों, यदि इस ब्लैक होल का चक्कर कोई एस्टेरॉयड लगा रहा होगा तो एक तरीका है जिससे इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। दरअसल हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्लैक होल के चक्कर काटने वाले एस्टेरॉयड के हर पॉइंट पर ब्लैक होल के अत्यधिक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे। मतलब कि वह ब्लैक होल उस एस्टेरॉयड के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेंगे और जब यह ब्लैक होल के ज्यादा करीब होगा तो इस पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और जब यह ब्लैक होल से दूर होगा तो इस पर लगने वाला फोर्स भी कम होगा। लगातार इस घटने बढ़ने वाले फोर्स लगने के कारण इस एस्टेरॉयड के सतह पर स्ट्रेस क्रिएट होगा और इस वजह से इसका कोर हीट होने लगेगा जो थर्मल रेडिएशन के रूप में इससे बाहर निकलेगा। दोस्तों, इस थर्मल रेडिएशन को हम रेडियो सिग्नल के रूप में डिटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या यह ब्लैक होल हमारे लिए कभी खतरा बन सकता है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा उत्तर है नहीं, और इसका कारण है कि यदि यह प्राइमोडियल ब्लैक होल है तो यह हमारे सोलर सिस्टम के बनने से पहले भी एग्जिस्ट करता होगा और यदि यह एक्टिव होता तो इससे रेडिएशन भी इमिट होता और इसके इर्द गिर्द एक्रेशन डिस्क भी मौजूद होता जिसके मदद से हम इसे कब का डिटेक्ट कर चुके होते। और यदि यह सचमुच एक्टिव होता तो अभी तक हमारे पूरे सोलर सिस्टम को तबाह कर चुका होता। दोस्तों, हालांकि हमारे वैज्ञानिकों को इसे खोजने की टेक्निक मिल गई है, लेकिन इसे एक्चुअल में खोज पाना इतना भी आसान नहीं होगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।